नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शिव कुमार बोधाचार्य हैं, जो कि बाबा साहब को बहुत ज्यादा मानते हैं और बाबा साहब की बातों को फॉलो भी करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। सर, बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, उनकी इस बात को थोड़ा सा संक्षेप करेंगे। जी, सही कहा आपने। बाबा साहब को उस समय पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि बाबा साहब को सरकार से, अंग्रेजी सरकार थी उस समय, उन्हें जो पैसा मिला, बाबा साहब चाहते थे कि मैं अकेला पढ़ लिख के समाज का कल्याण कर रहा हूँ, तो अगर हम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हम बहुत जल्दी इस देश को प्रबुद्ध बना देंगे, बौद्ध में बना देंगे। लेकिन जो बाबा साहब के मेहनत से, उनकी त्याग से, तपस्या से बाबा साहब ने जो विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा, उन लोगों ने आके देश में काम नहीं किया। कुछ तो वहीं सेटल हो गए, कुछ लोगों का अपना बिजनेस वहीं पे कर लिया, कुछ ने जॉब ले ली, कोई एक दो लोग यहाँ आए तो वो लोग भी काम नहीं कर पाए। लेकिन आज बाबा साहब की उस बात को याद करते हुए, आज का पढ़ा लिखा समाज, अगर आज बाबा साहब होते तो देख के बहुत खुश होते। आज का पढ़ा लिखा समाज बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा जोर जोश के साथ लगा हुआ है और बाबा साहब का मिशन आगे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यानी प्रबुद्ध भारत की तरफ सब लोग पूरी ताकत के साथ सहयोग कर रहे हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।